जा रही है अपने साथ ही, हिली पड़ी है। गले में पहने। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद वो ब्लॉग बना रही हूँ। अब ये था कि यार मैंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया सर्जरी को थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा खुशी खुशी आने की कोशिश करती हूँ। और आई रियलाइज़ के ना, जो मुझे लाइक जैसे मैं कहती थी कि मुझे कुछ एमोस से मसला है या वो इस तरह की क्यों है या क्या सीन है, सो आई रियलाइज़ के लाइक ना आपके वर्क इशूज़ के अलावा ना आपके ज़िंदगी में और बड़े मसले होते हैं, ठीक है, और सम टाइम उन चीज़ों की वजह से इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है, ठीक है। सो उन सब का तो नहीं, चलो एक दो का ना मुझे मसले पता चल गया, मैंने कहा कि ना इट्स नॉट राइट टू बी हार्ड बाय देम, ठीक है। सो आई चूज टू बी नॉन वायलेंट, ठीक है, फ्राम नाउ ऑनवर्ड्स। एनी वेज ओके, मेरे बाजू में ब्लड लगा हुआ है। सो मेरा ओटी डे था आज, और मैंने एक 3 घंटे की लाइपोप्लास्टी एब्डोमिनोप्लास्टी में असिस्ट कराया, ठीक है। सर को सिंस पता है कि मैं गायनी करके आई हूँ, मुझे सूत्र लगाने आते हैं, मुझे सर्जरी करनी आती है, ठीक है ना, इन सिंपल सेंस। तो सर तो मुझे भूलता ही नहीं है, सारा का है। मैं कहा मेरे लगता है मैं 3-4 घंटे की सर्जरी में असिस्ट करा ली है तो मेरी जान छूट जाएगी। फिर एक लोकल का केस था, उसकी यहाँ पे स्वेलिंग थी, वो निकालनी थी। सारा को बुला दो, सारा ने फिर सारा के तकरीबन 1.5-1.5 घंटा ले लिया, और मेरी बस हो गई। सिंस मेरी कॉल भी है आज, और किसी मसले की वजह से अब कॉल पर भी रुकना पड़ेगा क्योंकि बच्चे पकड़े गए हैं कॉल से भागते हुए, ठीक है। तो 5 बजे तक तो मुझे कहा गया है रुकने का, अब देखो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। चाय की इतनी अच्छा ज़रूरत है, इतनी अच्छा ज़रूरत है कि बस ना पूछो। हो बहुत बोल रही हूँ, हाई स्पीड। एनीवेज, और मैंने ये बताना था कि ना, अच्छा फिर ना गायनी में मैं आती जाती तो रहती हूँ, मेरी दोस्त गायनी में, तो आज ना उसका फेयरवेल था ना, मेरा हुआ था ना, लेकिन उस तरह का नहीं था, ज़रा थोड़ा छोटा सा लेवल पे था। एक एमओ का फेयरवेल था, एक एचओ का फेयरवेल हो गया, और एक बस इतना था। तो मुझे था यार रोटी के लिए बुला लेना मुझे भी है, कोशिश तो सबने की बुलाने की मुझे, ठीक है, लेकिन मैं ही उस वक्त रोटी का बिजी हो गई, सर ने बुला लिया कि मैं जा ही नहीं सकी। मैंने कहा मेरा हिस्सा तो रख लेना, है सैंडविच रखा था उसने, लेकिन खा भी लिया मैंने, बट इस वक्त शिद्दत से चाय चाहिए ना। मैं फाइल इधर है सर की। हाँ जी, वो प्लीज़ डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो खाना तो मेरे से मिस हो गया, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ चाय चाहिए, ठीक है, और जब मेरी लगता है मुझे फिर मिस हो जाएगी। बट मैं कह रही हूँ 5 बजे अगर मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं चली जाऊँगी 5 बजे, क्योंकि ना कल मैंने एक लोकम लिया है, तो कल मुझे अपेरेंटली गई नहीं, मैं कॉल करनी है, लोकम करना है एक लड़की की जगह, तो पूरा दिन रुकना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं 5 बजे चल निकल जाऊँगी यहाँ से बस चुप करके। और क्या, स्मोक बहुत बहुत बुरा हाल है स्मोक का, तो बाहर तौबा, क्या करे बंदा है, लेकिन कुछ फीलिंग आने लग गई है सर्दी वाली। लेकिन समटाइम्स कभी जब कमरा बिल्कुल बंद हुआ होता है तो अजीब सी फुटेंसी और स्मेल पैदा होने लग जाती है, लेकिन उस वक्त फिर आपको चाहिए होता है पंखा। मैं अपनी तरफ से तो ज़रा बाल ब्लो ड्राई करके आई थी, लेकिन वो लाइक हेड कैप पहनने की वजह से सब बैठ गए हैं। नींद आ रही है, सोना है, अल्लाह करे पेशेंट वो वाली स्टेबल रहे मेरी सर्जरी वाली। फिलहाल तो मैं सर्जरी कॉल पर हूँ, तो वो पेशेंट बहुत ओबियस ही है, वो स्टेबल रहे ताकि कोई मसला ना बने, और बस सही है। बेटी मेरी तैयार। अच्छा, दर्द हो रही थी, ठीक है, और अभी हाथ लगाने पे दर्द होती है? होती है। वैसे खाने पीने में कोई मसला होता है, कब्ज़ तो नहीं हो जाती? हो जाती है। क्या मसला होता है? दर्द होने लग जाती है पेट में। हाँ,
अच्छा लेटती हैं या वो जो सूजन है वो खुद ब खुद अंदर चली जाती है कि बाहर ही रहती है? बाहर ही रहती है। ठीक है। किसी और चीज़ की दवाइयाँ लेती हैं? बीपी शुगर का मसला है, किसी चीज़ की कोई दवाई नहीं लेती? ठीक है। इससे पहले कोई ऑपरेशन हुआ है कभी? नहीं, पहली दफ़ा हॉस्पिटल में ही एडमिट पहली दफ़ा हुई है। ठीक है। किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है? नहीं है। माहवारी आती है? हर महीने आ जाती है? माहवारी रोज हर महीने नहीं आई? नहीं आई है, पर कम ब्लीडिंग होती है, उससे पहले सही होती थी बिल्कुल। ठीक है। कब लगा था करंट? वो भी पुरानी बात है। हॉस्पिटल में तो नहीं जाना पड़ा था करंट के बाद? जाना पड़ा था हॉस्पिटल में। रुकी भी थी कि बस दिखा के चली गई? ठीक है। उससे ज़्यादा हो गई है? ठीक है। करंट से वैसे इस पर नहीं असर पड़ा होगा। गिरी भी थी, पेट के बल गिरी थी, पीछे की तरह गिरी थी। हाँ। जी जान ही नहीं है राम में। ठीक है। आखिरी बच्चे की उम्र कितनी है? अच्छा, अब आपको पता ना कि मंडे को आपका ऑपरेशन है? ठीक है। तो आपने कल 12 बजे के बाद, ठीक है, कल रात को 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना रात? हाँ, ठीक है ना। आज हफ्ता है ना, इतवार, इतवार के जब रात के 12 बज जाएंगे उसके बाद कुछ नहीं खाना, ना खाना है ना पीना है। नहीं, 12 बजे के बाद नहीं पीना। ठीक है। सुबह 8-9 बजे तक शुरू कर देते हैं। ठीक है, सही है। तो आप
8-12 बजे से पहले जो खाना है खा लो, पीना है पी लो, ठीक है, लेकिन 12 बजे के बाद ना पानी का एक घूंट भी नहीं लेना, रोजे की हालत में जाना होता है शुगर का, ठीक है ना, कुछ नहीं होता, सारे ऐसे ही जाते हैं, ठीक है। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, बेहोश हो जाएंगे, क्या होश है उसके बाद, मुकम्मल बेहोशी होगी, हाथ पे टीका लगा के, नहीं मुकम्मल बेहोशी होगी इसकी, कमर वाली तो सिर्फ निचला हिस्सा सुन करती है ना, ये पूरी करेंगे, हाँ इधर ही करेंगे, नहीं वहाँ लेके जाके करेंगे, क्या समझ गई कहाँ स्मेल, हाँ दवाइयों में इसी तरह की स्मेल होती है ना, वहाँ सफाई रखनी होती है, केमिकल से सफाई करते हैं इसलिए वहाँ इस तरह की स्मेल आ रही होती है। खानदान में बीपी शुगर का मसला है किसी को, आपके अम्मा अब्बा को, अच्छा तो परेशान भी ना होना फिर, ठीक है, अगर ऑपरेशन मंडे को कराना है तो वही तो कह रही हूँ ना, नहीं होना परेशान है, ठीक हो गया,